महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच राज ठाकरे ने कर दिया बड़ा दावा। राजनीतिक गलियारों में क्यों मचा हड़कंप? एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने बगावती तेवर दिखाते हुए न सिर्फ शिंदे सरकार का दामन थामा बल्कि अपने चाचा शरद पवार को भी बड़ा झटका दे डाला। अजित पवार के इस बगावती तेवर के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है, बल्कि अजित पवार के इस फैसले के बाद कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना यूबीटी ने भी अजित पवार के साथ साथ बीजेपी पर भी न सिर्फ निशाना साधा बल्कि कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा डाले। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी बीच अजित पवार के मामले पर महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष यानी कि राज ठाकरे ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी, बल्कि राज ठाकरे की इस प्रतिक्रिया के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में मानो हड़कंप मच गया है। दरअसल राज ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम में खुद एनसीपी प्रमुख यानी कि शरद पवार का हाथ हो सकता है। आपको बता दें, एनसीपी नेता अजित पवार और 8 अन्य विधायक रविवार को शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को छोड़कर राज्य की शिंदे सरकार में शामिल हो गए। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे ने बड़ी बात बोलते हुए कहा, राज्य में जो कुछ हुआ बहुत घृणित है। ये राज्य के मतदाताओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं। ये सब चीजें शरद पवार ने महाराष्ट्र में शुरू की। उन्होंने पहली बार 1978 में पुलोद यानी कि पुरोगामी लोकशाही दल सरकार का इस्तेमाल किया था। महाराष्ट्र ने पहले कभी ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम नहीं देखे थे। ये सभी चीजें पवार से शुरू हुई और पवार पर ही खत्म हुई। इसके साथ साथ राज ठाकरे ने एक बड़ा दावा करते हुए शरद पवार पर ही सवाल उठा डाले। राज ठाकरे के मुताबिक हालिया घटनाक्रम के पीछे खुद शरद पवार का आशीर्वाद हो सकता है। प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे, पाटिल और छगन भुजकल अपने दम पर और शरद पवार के आशीर्वाद के बिना अजित पवार के साथ नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में तब बवंडर आया था जब अजित पवार अपने चाचा शरद पवार की पार्टी से बगावत कर बीजेपी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। चाचा से बगावत करने के बाद उन्हें इनाम के तौर पर बीजेपी ने अजित पवार को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा भी दिया। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे ने दावा किया है उससे कहीं ना कहीं शरद पवार पर ही सवाल उठ रहे हैं, बल्कि राज ठाकरे के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बवंडर जरूर आ सकता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।